मुड़ तो राम रहीम बाहर आ सकता है। पांचवी वार जमानत दे ले इथे दस दे ये पैरोल दे ले अर्जी पाई गई है। मुड़ तो राम रहीम बाहर आ सकता है। मुड़ पैरोल ते राम रहीम बाहर आ सकता है। दस दे ये कि डेरा मुखी ने पैरोल रही जो है थे रोहतक प्रशासन नु अर्जी पाई है ते कतल अते बलात्कार मामले विच उम्र कैद दी सजा कट रहा है। सनारिया जेल विच उम्र कैद दी सजा कट रहा है राम रहीम ते पैरोल दे ले अर्जी पाई गई है। सनारिया जेल विच फिलहाल बंद है। इथे दस दे ये कि मुड़ तो पैरोल ते राम रहीम बाहर आ सकता है। डेरा मुखी ने पैरोल लई एक बार मुड़ तो रोहतक प्रशासन नु अर्जी दी है। रोहतक प्रशासन ने बागपत प्रशासन तो उसके बरनावा विच पैरोल विच जो समा बताया गया सी उस समय जो बिहेव रहा सी उसनु लेके रिपोर्ट मंगी है। ते रोहतक दी सुनारिया जेल विच कतल ते इस तो अलावा बलात्कार के मामले विच उम्र कैद की सज़ा राम रहीम इस समय ते कट रहा है। ते दस दई कि पांचवी बार बरनावा आश्रम विच पैरोल ते डेरा मुखी राम रहीम आ सकता है। ते इत्थे इह वी दस दईए कि डेरा मुखी नू 2022 विच 17 जून नू पैरोल मिली सी। उस समय 30 दिनों की पैरोल मिली सी ते 15 अक्टूबर नू 40 दिनों की मिली सी ते इस साल 21 जनवरी नू भी 40 दिनों की पैरोल मिली सी ते उस तो बाद 20 जुलाई नू 30 दिनों की पैरोल मिली सी। ते उस समय इस आश्रम विच ही रुकिया सी राम रहीम। डेरा मुखी राम रहीम इत्थे दस दईए मुड़ तो बाहर आ सकता है। पांचवी बार अजिहा होवेगा जदों डेरा मुखी राम रहीम बाहर आवेगा। सुनारिया जेल में उम्र कैद की सजा इस समय से राम रहीम कट रहा है। साढ़े नाल सहयोगी साहिल रखाया जुड़ गए ने। साहिल तमाम जानकारी चाहवांगे। मुड़ तो हो सकता है कि डेरा मुखी राम रहीम पैरोल से बाहर आ सकता है। पांचवी बार होवेगा जो इस तरह पैरोल से राम रहीम बाहर आवेगा। जी बिल्कुल बलात्कार से दोष जिहड़ा राम रहीम सुनारिया जेल से बंद है वो मुड़ तो बाहर जिहड़ा है वो आ सकता है। इसके लिए डेरा मुखी ने जिते जेल प्रशासन दी है अर्जी च कहा कि उन्होंने जी पैरोल जी है वो दी जाए। इस तो पहला 4 बार जिहड़ा पैरोल जिहड़ा वो राम रहीम लै चुकिया। मुड़ तो पंजवीं बार राम रहीम ने पैरोल की अर्जी जिहड़ी है वो रोहतक जेल प्रशासन नू दित्ती है। हुण जिहड़े एसपी ने उन्हां वल्लों जिहड़ा है रिपोर्ट जिहड़ी है ने वो बागपत आश्रम तो मंगी जाएगी। उस तो बाद जिहड़ा वो फैसला लिता जाएगा कि राम रहीम नू पैरोल दित्ती जाए या नहीं। विरोधी धिर भी सवाल चुक रहे हैं क्योंकि राजस्थान का इलैक्शन नेड़े है। इस नू लैके पहला भी जिहड़ा जदों भी हरियाणा या दूजे इलाके च इलैक्शन होंदे ने उस समय जिहड़ा राम रहीम नू पैरोल दित्ती जाती है। एक बार फिर तो जिहड़ा राजस्थान का इलैक्शन जिहड़ा है वो 25 तरीक नू होना है। उस तो पहला राम रहीम नू जिहड़ी पैरोल दित्ती जा सकती है। इस नू लैके विरोधी धिर भी लगातार सवाल चुक रहे ने। जी बहुत शुक्रिया साहिल तमाम जानकारी दे लई। तां इसनू हुणे राजस्थान दे इलैक्शन नाल जोड़िया जा रहा है डेरा मुखी राम रहीम दे बाहर आउण नू क्योंकि अक्सर वेख्या जांदा है कि जदों भी पैरोल मिलदी है तां किसे सूबे दा इलैक्शन नेड़े हुंदा खास करके हरियाणा हुण राजस्थान दा।